बना रहा हूँ। ये मेरे दोस्त आ रहे हैं, फ्रूट चाट की तरह वो पेस्ट्री में है। वेल इट्स द मंथ ऑफ रमज़ान और 6 रोज़े रह गए हैं सिर्फ, और ईद आने वाली है और मैंने केक्स बनाए हैं और अपनी बहन से वादा भी किया है कि मैं अफ्तारी जो है वो हल्की फुल्की करूँगा और फिर हम लोग जाएंगे पुलाव खाने। वेल जो स्कोप है शेफ़ फील्ड का बहुत अच्छा है, और अगर आप बनना चाहते हैं शेफ़ तो आपके पास दो कॉलेजेस हैं, एक तो हाशू है और एक कौथम है, कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, जहां से मैंने कोर्स किया है। और अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं तो आपके पास ये दो कॉलेजेस हैं जिससे आप कोर्सेज करके तो आप होटल लाइन में आ सकते हैं, चाहे वो शेफ़ फील्ड हो चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, ये दोनों कोर्सेज जो हैं ये दोनों कॉलेजेस करवाते हैं। मैंने कौथम से किया है कोर्स और इस्लामाबाद में ही है, और हर शहर में है मेरे ख़्याल से, लाहौर में भी है और कराची में भी है कौथम। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, आप शेफ़ फील्ड में आना चाहते हैं, मज़े की फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है, तो आप इन दो जो कॉलेजेस हैं वहाँ जाकर आप इन दोनों में से किसी कॉलेज से भी आप कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का हो चाहे वो शेफ़ का हो। एक मेरी वीडियो में नीचे कमेंट मैंने पढ़ा कि जिसमें मुझसे पूछा गया कि हमें क्या करना चाहिए शेफ़ फील्ड में आने के लिए, तो आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, हाशू या कौथम, ये दोनों बेस्ट कॉलेजेस हैं और आप शेफ़ फील्ड में आ सकते हो। तो ये रहा आपका जवाब। मैं इस टाइम पे कॉर्न्स बना रहा हूँ क्योंकि ये बुफे में लगेगी, इफ्तार की जो बुफे है उसमें आइसक्रीम भी लगती है, तो इसलिए मैं कॉर्न्स बना रहा हूँ और इफ्तारी में बस 2-3 घंटे ही रह गए हैं। कुछ काम वाले शेफ़ होते हैं मेरी तरह, कुछ बेकार शेफ़ भी होते हैं जो सिर्फ पेस्ट्रियाँ काटते हैं और उनको लगता है कि वो शेफ़ हैं। कितनी पेस्ट्रीज काट के आए हैं आप आमिर? सुनने में आया कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, स्प्रिंग सीज़न है, गर्मी तो खासी बढ़ गई है, लेकिन शायद बारिश से जो है मौसम खुशगवार हो जाए। तो लेट्स सी आज की शाम कैसी गुज़रती है। मैंने जो है अपनी बहन को कॉल करके बता दिया है कि वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाए जहां पर बेस्ट ऑथेंटिक पुलाव मिलता है, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में ज़्यादातर लोग 90% जो है वो पुलाव लवर होते हैं। अफ्तारी की जो है वो हमने तैयारी भी कर दी है, नींबू पानी बनाया है, दूध सोडा बनाया है, जिस जिसका जो जो दिल कर रहा है वो सब कुछ लेकर आ रहा है, लेकिन अफ्तारी में ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है क्योंकि हम सिर्फ पानी पीते हैं तो बस हमारा पेट भर जाता है। बहुत कुछ है, व्हाट हैपेंड? अभी आएंगे शेफ अहमद जो कि मेरे बहुत ही पुराने और बहुत अच्छे दोस्त हैं। बना रहो, ये फ्रूट चाट की तलाश में आते हैं रोज़। खैर मुझे अब छुट्टी हो गई है और जैसा कि मैंने सोचा था बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि इतनी गर्मी के बाद जो है ये बारिश एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है ये बारिश, और बहुत ही खुशगवार मौसम है। और मैंने अपनी बहन को कॉल करके कह दिया है कि वो अपने घर से निकल आए और ताकि हम लोग मिल सकें सब, तो वो अपनी दो बच्चियों को लेकर और मेरा एक भांजा आया हुआ है सवाबी से, मेरी बड़ी बहन का बेटा आमिर, तो उनको लेकर जो है वो भी निकल पड़ी है रेस्टोरेंट के लिए, और मैं भी अब उसकी तरफ जा रहा हूँ। जी मैं पहुँच गया हूँ बाऊजी रेस्टोरेंट, और ऑथेंटिक और बेस्ट पुलाव तो जी यहीं पे ही मिलता है, और कोई मेरी वीडियो ऐसी स्पॉन्सर्ड नहीं है किसी भी तरह से, सिर्फ ये एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है एक ब्रांड का नाम। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव यहाँ मिलता है और कढ़ाई भी बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त किस्म की मिली है यहाँ पर।
मैंने यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तुम्हारे तुम सबको नहीं लाऊंगा बीच में। He is my nephew Amir and he is very camera shy. नहीं चावलों में भी है। इतनी सारी वीडियो में बस चल रहे हैं। नॉर्मली हम जो है वो हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन आज मैं चम्मच इस्तेमाल कर रहा था और मेरी बहन मेरा मजाक उड़ा रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने वे में खाना खाऊं। वैसे मज़ा तो हाथ से ही खाने का आता है। वैसे जहाँ पुलाव मिलता है वहाँ और चीज़ें इतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन मैं हैरान हो गया हूँ कि ये चिकन कढ़ाई जो है बिल्कुल नस्ली वाली मिली है यहाँ पर और बहुत ही ज़बरदस्त थी। बारिश खासी तेज़ हो गई है और बहुत ही खुशगवार मौसम है। हमने क्रीम बुक की और हम घर चले गए। यहाँ छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा कि रिश्तों को टाइम दें और आपस में घुले मिलें, बैठें, बहन भाई कज़न्स जितने भी रिश्ते हैं उनको निभाएं, क्योंकि इसी में ही आपकी ज़िंदगी का मज़ा है। तो चलें अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।